हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइन विद प्रद्युत। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी ऐसे फैशन रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। टुडेज वीडियो आई एम डिस्कसिंग के आई आई टी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जहाँ पर आप लोगों को इस कॉलेज के प्रोग्राम, फीस, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, प्लेसमेंट, सैलरी, सब कुछ के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। काफ़ी सारे दिन से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिक्वेस्ट था, तो मुझे अपने फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मुझे वक्त नहीं मिलता था कि कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना होता है। सो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस कॉलेज के ऊपर रिव्यू दिया जाए, क्योंकि रिक्वेस्ट था और रिक्वेस्ट के ऊपर मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूँ जो कॉलेज मुझे लगता है हाँ ये स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तो उस कॉलेजेस के ऊपर मैं ज़रूर रिव्यू देता हूँ। तो चलो ज़्यादा बात न करके चलते हैं वीडियो की तरफ। बात कर लेते हैं किट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ओडिशा भुवनेश्वर में लोकेटेड है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, तो बहुत साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये भुवनेश्वर में लोकेटेड है। देन उसके बाद टुडेज द यूनिवर्सिटी कंप्रीसिंग एंड 28 स्कूल, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। लाइक आप लोग अगर सोच रहे हो कि जो किट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलेज है, तो बिल्कुल गलत हो गया ये बोलने में, बिकॉज इसके अंडर बहुत सारे प्रोफेशन के कोर्सेज भी कराया जाता है, लाइक मेडिकल प्रोफेशन है, स्पोर्ट्स प्रोफेशन है और इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, उसमें फैशन डिज़ाइनिंग एक आता है, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होता है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कि किट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पर आज के वीडियो में मैं सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ इस कॉलेज का। सबसे पहले तो प्रोग्राम, यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप लोगों को दो तरह का प्रोग्राम मिल जाएगा। एक तो है बैचलर डिग्री इन फैशन डिज़ाइनिंग, जो BDES, और दूसरा है बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ये भी BDES है। इन दोनों प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया होता है, दोनों प्रोग्राम के लिए आपको एक 12th पास होना ज़रूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एंड 12th पास होने के बाद आपको सिर्फ 12th पास किसी रेगुलर कॉलेज से आपको पास करना होगा, किसी ओपन यूनिवर्सिटी अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो तो वो अप्रूव्ड नहीं होगा। अब जो किट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कॉलेज है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो मैंने बताया कि 12th पास होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपको बिलो 21 ईयर्स ओल्ड होना ज़रूरी है। अब इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम KIITEE एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम का लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2023। तो मैं इस साल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा हूँ एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग 14 से 18 अप्रैल के अंदर हो जाता है, और इसका जो रिज़ल्ट आउट होगा वो 22 में आउट हो जाएगा, अप्रैल 22, 2023 में, मैं इस साल के बारे में बोल रहा हूँ। देन उसके बाद आपका जो इंटर्नशिप होगा, लाइक समर इंटर्नशिप जो होता है वो 2 मंथ्स तक आपको इस कॉलेज से प्रोवाइडेड किया जाएगा। लाइक आपका जो 4th, 6th एंड 7th सेमेस्टर के दौरान आपका जो इंटर्नशिप है वो चालू होगा। अब एडमिशन के बाद हो गया, अब फीस स्ट्रक्चर, हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम फीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इस कॉलेज का अराउंड जो फीस है 4 ईयर्स के लिए वो 7 लाख्स तक होता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 7.31 लाख्स तक आपको होता है एक फीस। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल होता है, तो कैंपस बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, लाइक 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका कैंपस है। देन इसके साथ साथ यहाँ पर लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल्स बॉयज़ के लिए 20 हॉस्टल, गर्ल्स के लिए 11 हॉस्टल्स, एंड उसके साथ इंक्लूडिंग फूड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैब मीन लाइब्रेरी लैब, गारमेंट कंस्ट्रक्शन लैब, पैटर्न मेकिंग लैब, वीविंग लैब, कलर लैब, डिजाइनिंग स्टूडियो, जिम, मेडिकल फैसिलिटीज़, वाईफाई कैंपस एंड कॉन्वर्सेशन रूम, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइडेड किया जाता है। देन उसके बाद प्लेसमेंट, यहाँ पर जो प्लेसमेंट होता है वो काफ़ी सारे रिप्यूटेड ब्रांड में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट किया दिया जाता है, लाइक ओवरऑल 70% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस इन रिप्यूटेड कंपनीज लाइक अरविंद ब्रांड्स, पैंटालूंस, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, HM जैसे ब्रांड्स में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है एज ए फैशन डिजाइनिंग प्रोफेशन में। देन उसके बाद आपका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के बाद आपका पैकेज कितना होगा, सैलरी पैकेज, तो मैं लोएस्ट से हाइस्ट तक जाऊँगा। लोएस्ट सैलरी पैकेज है 2.3 लाख्स पर ईयर, देन उसके बाद एवरेज सैलरी पैकेज है 3.5 लाख्स पर ईयर, एंड हाई जो सैलरी पैकेज है वो है 10 लाख्स पर ईयर। तो प्लेसमेंट टोटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के कैपेबिलिटी के ऊपर, बट फिर भी मैं इस कॉलेज से तो नहीं हूँ, बट मैंने जो रिव्यूज़ देखा वो प्लेसमेंट के ऊपर लगभग मिक्स रिव्यूज़ है, तो आप लोग भी ऐसे गूगल पर रिव्यू चेक कर सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड आप मुझे अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगा, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो एज अ फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड प्रोफेशन के लिए। तो गाइज फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड
वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।